कैसा रहा फ्राइडे टू मंडे संपूर्ण लॉकडाउन का नज़ारा मुमरा कौसा में और कैसे रही पूरे दुकानें बंद, देखिए पूरी वीडियो। मुंबई टीवी हर खबर सच के। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। फ्राइडे से लेकर जो मंडे तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था उसको लेकर के हमने एक खबर में आपको विस्तार से बताया था कि सभी दुकानें जो है पहले जुमा के 8 बजे से लेकर बंद हो गई थी, अब जो है 8 बजे से लेकर मंडे सुबह 7 बजे तक यानी कल तक का जो है संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था। और अब हम आपको बता दें पूरा दिन लगभग ख़त्म हो चुका है, कल के दिन मंडे लग जाएगा सुबह के 7 बजे से। तो जो लॉकडाउन का नज़ारा था वो मुमरा कौसा में 2 दिन संपूर्ण तरीके से लोगों ने पालन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी, पूरी तरीके से जो हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन का पालन किया गया मुमरा कौसा में। और साथ ही साथ जो दुकानदार थे, अब वो देखना है मंडे से किस तरीके से निर्णय लेकर के दुकानें खोलते हैं। और हमने इसी बीच जो रोड पर सोते हैं फुटपाथ पर, जो डेली बेस पर काम करने वाले लेबर है जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनसे हमने बात करी है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस लॉकडाउन को लेकर के और कैसे रहा ये पूरा मंजर लॉकडाउन का, देखिए पूरी वीडियो। जो सरकार लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रही है, आपके ऊपर एक सवाल पैदा होता है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो आपको खिलाएगा कौन, क्या कहेंगे सर? कौन तो आप तो काम बिना तो ऐसे नहीं हो सकता है, काम बिना तो आप काम देना पड़ेगा, इसलिए तो किसलिए हमें ऐसे अब मांग के खा रहे किधर, तो अब काम में पुलिस वाले मारते हैं, अब हम क्या करेंगे उसके लिए? हम गरीब आदमी मर रहे हैं, अब बड़े आदमी तो खा रहे हैं ऐसे ही, मतलब है कि ना, हम अब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम तो लॉकडाउन से पहले से फंसे हैं यहाँ पे, न यहाँ पे टिकट दे रहे ना कुछ दे रहे हैं हमको, तो ऐसे परेशान है, दूर जाने के लिए तो ऐसे टिकट ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसे पिछले साल लोग अपने गांव से वापस मुंबई आए हैं ये आसरे पे कि वापस से हमारी जो ज़िंदगी है वो पटरी पर दौड़ेगी, लेकिन वापस सरकार लॉकडाउन लगा रही है तो क्या लगता है कि गरीबों को ख़त्म करने के लिए तो नहीं ये कोरोना काल? अपना यही तो बोल रहे हैं, अब कोरोना के लिए बोल रहे हैं कि कोरोना तो अब, लेकिन जो बड़े बड़े आदमी को लग रहा है कोरोना भी ऐसे नहीं लग रहा है कि छोटे छोटे अब रोड में सो रहे उनको कोरोना कैसे लग ही नहीं रहे, हमको तो कोरोना कैसे होता है हमको पता ही नहीं है कोरोना क्या है। हम तो अब लेबर करने के लिए चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कोरोना तो हमको पता ही नहीं। अब जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो लग रहे हैं, हमको क्यों नहीं, हम लेके जाओ भाई, हम तो पुलिस वाले को बोलते लेके जाओ, हमको खिलाओ, खाना पीना तो चाहिए हमको लिए। अब हमको लॉकडाउन आए तो कौन खिलाएगा हमको, कोई नहीं खिला सकता ना ऐसे, हमको तो अब खाना तो ढूंढना ही पड़ेगा भाई, किधर कचरा चुनके भाई, हम तो खाना तो खाना पड़ेगा, अब खाना भी ऐसा नहीं मिल रहा मतलब। अच्छा, लॉकडाउन खतरनाक है या कोरोना? मेरे को तो लगता है लॉकडाउन खतरनाक है, कोरोना नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आप जैसे परेशान हो और काफ़ी लोग जो परेशान है, लोगों के लिए क्या सरकार को कुछ सोचना चाहिए? अब सोचना तो चाहिए, अब सरकार मान ही नहीं रहा, वो तो अपने जगह में बैठा। लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि आप लोगों के अकाउंट में पैसा दिया खिलाए, कैसे खिलाए अब उनको, गरीब आदमी को क्या करे, ऐसा करके सोचना चाहिए था, अब लेकिन सोच ही नहीं रहे, तो उसको हम आप क्या समझ सकते हैं, अपने लेबर के लिए सोचते हैं हम तो। आप क्या करते हो? मैं तो लेबर काम करता हूँ, चौक में जाता हूँ, काम नहीं मिलता है। हाँ, फैमिली नहीं है मेरे तो, यहाँ फैमिली गांव में है, लेकिन मैं यहाँ से अब लेबर ही काम करने के लिए आया था। हाँ, काम का धंधा अब इतने दिन तो बंद था, मैं बोला काम करके आता हूँ, अब गांव में नहीं मिल रहा था इसलिए आया, तो अभी यहाँ अभी लॉकडाउन बोल रहे हैं, अभी कभी लेबर में काम, लेबर चौक में काम ही नहीं मिलता है कभी, अब 1 दिन का 2 दिन का 1 बार मिलता है, और वो खाने को बराबर हो जाता है 2 दिन में, वो 3 दिन बैठो कहाँ से होएगा पूरा, इसलिए हो रहा है अब लेबर हम ऐसे मेहनत करने।
से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।